एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ही होंगे। आज जो मेरा जो है टॉपिक है, मैं आप लोग साथ जो शेयर करने वाली, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या। काफ़ी लोगों को पेट में जो है बहुत ज़्यादा जकड़न रहता है, बिल्कुल भी पेट बिल्कुल साफ नहीं होता। आज मैं उसके बारे में बताने वाली, किस तरीके से हम घरेलू मेथड से ही अपने जो है घर पे ही कुछ ही चीज़ों से ही, दो से तीन चीज़ें आपको चाहिए होगी और ये सारी चीज़ें आपके घर पे ही अवेलेबल होगी, जिससे कि आप अपना कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते, कब्ज से राहत मिल सकती और बहुत सारी ऐसी बीमारियों से जो है आप लोगों से इसको छुटकारा मिल सकता है। इसको जो है लेने वाले के लिए आप जो है डायबिटीज़ वाले भी ले सकते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए भी है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, हर जैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, पीसीओडी की, थायराइड की प्रॉब्लम, उनके लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसमें मैं आगे आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगने लग जाए तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे रेड कलर का, आप उसे प्रेस कर दीजिए, जब भी कोई मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप इसे वॉच कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग भी अपनी दवाइयों के भरोसे अपनी जो है ज़िंदगी को ऐसे ही चला रहे हैं? अपने पेट की समस्या, जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स है, अगर हम लोगों को मोटापा है, शरीर में जितनी भी समस्या है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो सारी बीमारियाँ जो है आपके कुछ ही मिनटों में जो है छू मंतर हो सकती हैं और आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ आज जो मैं बताने वाली सारी बीमारियाँ जो होती हैं पेट की से संबंधित सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे पेट में जो अपच रहता है, सूजन रहता है, पेट फूलना रहता है, गैस बनना, कब्ज, सारी समस्या जो आज आपको जो है निजात मिल जाएगी। ये है मेरे पास जो हरी सौंफ है, आप इसमें इसको जो है फिनल सीड्स भी कहा जाता है। आपको इसको किस तरीके से लेना मैं आगे शेयर करूँगी आपको। जो इसके अंदर मैं बताऊँगी कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, फाइबर होता है, विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है और यहाँ तक कि मौजूद पोटेशियम इसमें काफ़ी अच्छा होता है, जो हमारे हार्ट संबंधित अच्छा रखता है। और इसे जो है हमें अच्छे से बॉयल करना होगा, हमें एक फ्राई पैन लेना होगा, फ्राई पैन में हमें सौंफ और पानी को जो है ऐड करना होगा। हमने इसमें एक चम्मच सौंफ और एक गिलास पानी हमने इसमें लिया है, इसको अच्छे से बॉयल करना है। बॉयल तब तक करना है 10 से 12 मिनट तक हमें इसे बॉयल करना है और इसे जो है हाफ गिलास तक करना है। आप देख सकते हैं इसका रंग जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब आपको जो एक ठंडा होने पे इसको गिलास ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने, देखिए थोड़ा सा ये गुनगुना है और इस टाइम पर मैंने इसको गिलास में डाल दिया, हाफ गिलास जो चुका था इसमें। और आपको पता है कि इसके अंदर जो है सौंफ का जो पानी है हमारी आंतों की सफाई बहुत ही अच्छे साफ करता है, पेट में जो बनने वाली गैस होती है उसको बनने से रोकती है और हमारे लीवर को स्ट्रांग करती है, खाना आसानी से पचती है, अपच की प्रॉब्लम जो है नहीं हो पाती है। सौंफ का जो अर्क है वो बिल्कुल हमारे लिए अच्छा रहता है। इसके अंदर मैं सेंधा नमक मैंने इसके अंदर ऐड किया है, थोड़ा सा चुटकी भर हमें इसमें डालना है। इसमें मैं लेने वाली हूँ लेमन, हाफ लेमन जो है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। आप इसकी जो है सीड्स को जो है निकाल सकते हैं और इसके अंदर जो हमें कुछ ही बूंदें जो है लेमन की डालनी है। आपको जो ये लेना है मॉर्निंग में या नाइट में आप इसको ले सकते हैं, खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे जो इससे जो है हमारे जितनी भी अगर आंतों में चिपके हुए मल को जो है मिनटों में साफ कर देगा। इस तरीके से आपको पीना है और जब भी आप इसको पिए तो हल्का सा ये गुनगुना ज़रूर होना चाहिए, हो सके तो आपको मॉर्निंग में उठते ही या रात को नाइट में सोने से पहले आप इसको ले सकते हैं और आप देखेंगे कि ये कि जादुई नुस्खा है। कुछ ही दिनों में, कुछ ही मिनटों में, मतलब आप लोगों का जो है ये सारी जो है बीमारियाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और यहाँ तक कि आपका जितना भी मोटापा है वो भी जो है वेट लॉस है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये ड्रिंक हमारी तैयार हो गई है। अब आपको इसको जो पीना है नाइट में आप इसको पी सकते हैं और आपके जितने भी आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी समस्या है वो सारी आपकी ठीक हो जाएगी। कहते हैं ना सारी बीमारियां सिर्फ पेट से होती है, कॉन्स्टिपेशन अगर पेट साफ ना हो तो सारा दिन जो है जी मचलाता रहता है, तबीयत खराब रहती है और दिमागी टेंशन भी लगी रहती है। इसकी वजह से अगर आप इस तरीके से पियेंगे, क्योंकि सौंफ जो होती है आपको पता है बॉडी को जितनी भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर हीट होती है उसको ये ठीक करता है, बराबर करता है मात्रा में और ठंडा रखता है, जिससे कि हमारे जो है सारी नसें नब्ज जो है बिल्कुल कंट्रोल में रहती है और हमारा पेट बिल्कुल अच्छे से साफ रहता है। बस इस तरीके से आपको ये ड्रिंक लेना है। मैंने फुल गिलास लिया था, इसको थोड़ा सा मैंने कम कर दिया क्योंकि मतलब इतना बॉयल हो चुका था, तो हमें इस तरीके से इसको पीना है। आप इसको ऐसे पी सकते हैं। और हाँ एक बात ये, आपको जो है पीना होगा तो आप ऐसा नहीं है कि इसको आप एक ही बार में पी जाए लगातार, जैसे गड़गड़ कर लोग काफी लोग पीते हैं ऐसे, आपको घुट घुट करके पीना है और ये हल्का सा गर्म होना चाहिए तभी आपको इसको पीना चाहिए। इस तरीके से आप पियेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेट जो है बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। और ऐसी होम रेमेडीज़ में और आपको शेयर करती रहूँगी। बाय, टेक केयर।